नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा है। बिहार में हुए सियासी हलचल के बाद ये फिर तय हो गया है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लालू नीतीश की राजनीति का दौर बिहार में अब बखूबी जलवा दिखा रहा है। अब तेजस्वी भी बिहार के इस सियासी खेल में माहिर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब दिग्गजों के बीच ये चार चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन अब इन लामों के लिए संभावना कम और चुनौती ज्यादा है। चुनौती है अपने संगठन को खड़ा करना, दूसरा चुनौती अपने संगठन का विस्तार करना। इतना ही नहीं, इन नामों को भविष्य में कितना ज्यादा अपने आप को सिद्ध करना होगा इस पर भी बात होगी, और ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। ये नाम है मुकेश सहनी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह। सबसे दिलचस्प बात ये कि इन नामों के ऊपर कई बड़े नेता और पार्टियों की नजर भी है। इन सब सबसे मजबूत स्थिति में चिराग पासवान दिखते हैं। चिराग पासवान की छवि साफ सुथरी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए चाहे तो चिराग का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकती है। बिहार में चिराग पासवान के समर्थकों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं अभी आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर को खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मुकेश सहनी घायल शेर हैं, लेकिन अभी उन्हें अपनी जमीन तलाशनी होगी। आरसीपी सिंह एक ऐसा नाम जो कभी नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी थे, लेकिन उनके साथ रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक वक्त ऐसा था जब जदयू के कई बड़े फैसले आरसीपी सिंह ही लेते थे, लेकिन जैसे ही वो केंद्र में मंत्री बने, नीतीश कुमार और उनके रिश्ते खराब होते चले गए। आरसीपी सिंह की खासियत ये है कि वो बाकी नेताओं की तरह बयानबाजी नहीं करते, बल्कि पर्दे के पीछे से राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया था कि आरसीपी सिंह अपने मर्जी से केंद्र की राजनीति में गए थे। अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद आरसीपी सिंह ने जदयू को छोड़ दिया, और हाल ही में आरसीपी सिंह यहां तक कह गए कि इस जन्म में तो क्या, बल्कि नीतीश कुमार 7 जन्म तक पीएम नहीं बन पाएंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि संभावना ये है कि देर सवेर आरसीपी भाजपा में आ सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह एक शार्प नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो उनके पास दलितों के देवता कहे जाने वाले नेता रामविलास पासवान की विरासत है। रामविलास पासवान ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और बहुत दमदार तरीके से लड़ी। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पहले उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। राजनीति के धुरंधर ये कहते हैं कि चिराग ने कुछ सीटों पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार को खड़ा किया और यही उनसे गड़बड़ी हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि चिराग ने भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल खेला, और इसके बाद नीतीश कुमार ने लोजपा में 2 फाक करवा दिया। चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि दलित का अभी भी एक बड़ा वर्ग उन्हें लोजपा का असली नेता मानता है। दूसरा, चिराग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय भी रखते हैं। वो लगातार बिहार आते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाते हुए भी नजर आते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि वो नीतीश कुमार के विरोधियों में से एक है, और अब भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते में भी खटास आ गई है। ये गठबंधन टूट चुका है, ऐसे में कुछ भी संभावना बन सकती है। अब बात करेंगे मुकेश सहनी की। इन्होंने सन ऑफ मल्ला के रूप में 2020 के विधानसभा चुनाव में नारा लगाया, मछली भात खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे, ये भी नारा लगा था। लेकिन तेजस्वी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक भी सीट नहीं दिया, स्थिति बिगड़ गई और फिर ये गठबंधन भी टूट गया। उस वक्त सहनी ने कहा कि एक अति पिछड़ा के पीठ पर खंजा घोपा गया है। बाद में सहनी एनडीए का हिस्सा बन गए, बिहार सरकार में मंत्री भी बने। फिर बीजेपी और सहनी के रिश्तों में खटास आई, और नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में आकर सहनी को मंत्री पद से हटा दिया।
अब सहनी अपनी पार्टी वीआईपी को संगठन के रूप में मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कई बार मछुआरों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग को लगातार उठाया है। ये भी कहा है कि राजनीति साहस का खेल है। उनके सामने चुनौती तो है, अब ये देखना होगा कि मल्लाह के नेता आगे अति पिछड़ा समाज को कितना आगे ले जाते हैं और एक नेता के रूप में वो अपने आप को कहां खड़ा कर पाते हैं। अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की। राजनीति के रणनीतिकार के रूप में ये देश भर में लोकप्रिय हुए और नाम भी बना चुके हैं। भाजपा से लेकर जदयू और तृणमूल कांग्रेस तक इन्होंने अच्छा काम किया। खास बात ये कि ये राजनीति करने में भी सफल रहे। अब बात होगी कि कैसे वो इस वक्त बिहार में अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति में वो उतरने का मन बना चुके हैं। बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम भी किया। उन्होंने ये नारा लगाया था कि फिर से एक बार हो बिहार में नीतीश कुमार हो, और उसके बाद से ही प्रशांत किशोर का ये गाना लोगों में जाना जाने लगा। अब प्रशांत किशोर की हैसियत इतनी हो गई थी कि वो बिहार के तमाम बड़े नेता से मिलने लगे थे। काफ़ी समय तक वो नीतीश कुमार के साथ काम भी करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ दिया। अब प्रशांत किशोर बिहार में जमीन से जुड़े नेता होने का दावा कर रहे हैं, खुद को मजबूत करने में लग गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर के अपना विजन लोगों के सामने बताया है। अब बिहार में जन सुराज यात्रा होगी और वो खुद जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं। वो बिहार में अपने लिए राजनीति का स्कोप तलाश रहे हैं। वो कहते हैं कि 30 साल तक लालू और नीतीश के राज्य में बिहार को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया है और इस वजह से बिहार पिछड़ा और गरीब राज्य बन चुका है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार में जाति की जड़ें किस कदर गहरी है, इसलिए अब वो ऐसे संगठन को खड़ा करना चाहते हैं जो लोग इस सोच से ऊपर उठ पाए। अब ये देखना होगा कि उनकी ये मेहनत आने वाले समय में क्या रंग दिखाती है। बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।